नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं ऑलवेज ऑन रोड में एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं आज आया हूँ ताला गांव में, और ये पड़ता है अपना तुंगनाथ वाले रास्ते पे। और मेरे साथ हैं अर्जुन, यहाँ का टैलेंट, हिडन टैलेंट, और ये जयपाल भाई है। आपको जयपाल भाई से मिलवाते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड है और ये बताएंगे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ आपके कैफे वैफे के बारे में बताओ थोड़ा सा। यहाँ भाई हमारा कैफ़े है और स्टे भी है साथ में, स्टॉप ऑफ कैफे एंड स्टेज। और चौथा जो ट्रैकिंग पॉइंट है तुंगनाथ महादेव का, वहाँ से 15-16 किलोमीटर्स पहले है ये, और उखीमठ से 11 किलोमीटर्स आगे है चौपटा वाले रोड पे। तो बाकी हाँ, ये हिडन टैलेंट तो अर्जुन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो अर्जुन भैया यहाँ पे काम करते हैं। और अर्जुन भाई आप बताओ अपने बारे में, कहाँ से आप आए हो, आपका घर कहाँ पड़ता है, और कैसे आपको इस म्यूजिक का इंटरेस्ट हुआ, रैपिंग का? हाँ जी, मैं मतलब सुरकंडा मंदिर धनोल्टी शहर से मेरा गांव पड़ता है। अच्छा, सत्या मतलब गांव का नाम है, जाड़ गांव। अच्छा, तो बस ऐसे ही घर के आलस से भी परेशान था। अच्छा, अच्छा। और देखा कि मतलब फिर इस पे घुस गया मैं, बीट वूट चलने लगी जैसे। अच्छा। रैप सॉन्ग में सबके सुनता और तो जो दिमाग में आ गया वही चल लेता, तो ये बनाने का बहुत समय गया कुछ। तो हाँ, तो आते हैं अब इनके म्यूजिक पे और आपको बिना लेट कराए इनका म्यूजिक सुनाते हैं। तो दो वीडियोस हैं, होप करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। तो पहली वीडियो ये है, आप सुनिए। इधर तेरे को यहीं से जवाब देना है इसका, ठीक है? और तू एक काम कर, तू ये गाना वाना छोड़ दे भाई, ठीक है? ये देख क्या हालत बना रखी तू है। गाना ये तो दिमाग में जो चल गया वही मतलब सेट हो गया। ये तो बजा नहीं बहन, जो फिर क्यों कर? मतलब तेरे को शौक कैसे आया ये रैपिंग का? रैपिंग का बस ऐसे मतलब दिमाग में घर की हालत देखी और हर तरीके देखे, तो सोचा कि हाँ क्यों ना अपनी भी स्टोरी बनाए कुछ। तो लेकिन तू ये गाना वाना छोड़ दे भाई, समझा? हाँ, ये सॉन्ग का है या जैकू भाई, रजत भाई, सुनील भाई, अनुराग भाई, अर्जुंदर मोहन पहाड़ी छोड़ यूके बॉय। ये चल फिर अटा सारी फॉर्मल, बात मेरी कान खोल के सुन, बात मेरी सारी नॉर्मल, अगर तो एक मेरी ये नियत है और फिर नंबर के लिए मांगते हैं मेरे और मैं, अगर थोड़ी याद कर दें दिमाग कसम तेरा मुख सामने मैं आई जानू तो ते नंबर भी देख जानू पर तुझे पता छोरी बाज से भी पहले जान से भी ज़्यादा अपनी यारी है, बंदे सारे संस्कारी बंदे हम पहाड़ी है। क्या बोलूँ क्या सोचूँ, बंदे सारे संस्कारी बंदे हम पहाड़ी है। क्या बोलूँ क्या सोचूँ, क्या बोलूँ क्या सोचूँ, पर मेरे पार मेरे गांव की एक खासियत है, पहले वाले रीति रिवाज संस्कार वही बेटे आ जाए, रईपुर देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश दून नहीं बेटे पास है, वो थे अपने जो तोड़ते हैं सपने, पहले थे जो बेटे वही आ जाए, पहले थे जो बेटे वही आ जाए, पहले जैसे ठर के ना इनका कोई अभी भी काम का जाए, पहले थे जो बेटे वही आ जाए। ये आर जे यू एन अर्जुन धर्मवान मेरा नाम है, चलने वाले बहुत चले मुझे देख के, लगे इन्हें जैसे कोई सर्दी के मौसम में इन्हें कोई जुकाम है, सोच अब कुछ बढ़ करके दिखाऊंगा, चलने वाले चलते रहेंगे इन्हें पर और भी चलाऊंगा, मच्छी जैसे बिना पानी वाली माँ कसम सेम ऐसी तड़फाऊंगा, क्या मच्छी जैसे बिना पानी वाली माँ कसम सेम ऐसी तड़फाऊंगा। पहाड़ी छोड़ रहे सीधा साधा घर से मैं, थोड़ी भटका बातें अपनी कट के ले दिमाग से मैं, थोड़ी सटका छोरी बाज कर दनियम यार दोस्त बच सत्य अपना मार्केट जाड मेरे गाँव च, माझ मेरी रोज फोन करती बेटा घर कब आने च, कोई पता तेरी आत्मा करती मैं रोने च, बचपन से लेके बड़ा हुआ अपने हाथ पैर पे जब से मैं खड़ा हुआ, आई दाढ़ी मोच पड़ी सोच घर की थोड़ी जिम्मेदारी सर पे पड़ा, मेरे बहुत सारे बोझ ढाई तीन साल से घर अपना देखा नहीं, माँ कसम सच बोल पा मैंने कभी फेंका नहीं, मेरी खातिर मेरी माई मेरा बाप है, मेरा संसार मेरी मंच मेरी जन्नत माँ, सब कुछ मेरे लिए आप है, आप मेरी मान है, आप मेरे बाप है, दिल मेरा बहुत बड़ा दिल तो साफ है, घर का थोड़ी संस्कार करते हम चाद करके पुण्य करते नियम पाप है, घर का थोड़ी संस्कार करते हम चाद करके पुण्य पर करते नियम पाप है, क्या करते नियम पाप है, ये करते नहीं हम पाप है, ये
बोला शंकर बोला बाबू बोला नाथ मेरे सर पे पड़ा जब से तेरा हाथ।